खबर रीवा से है, जहां एनएसयूआई ने टीआरएस कॉलेज प्राचार कक्ष का घेराव कर महाविद्यालय में पेयजल व्यवस्था हेतु ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने टीआरएस कॉलेज एनएसयूआई के अध्यक्ष पंकज उपाध्याय के नेतृत्व में शासकीय ठाकुर रणमल सिंह महाविद्यालय के प्राचार कक्ष का घेराव कर इस भीषण गर्मी के मौसम में महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को हो रही पेयजल समस्या को लेकर ज्ञापन सौंपा और यह मांग की कि पेयजल स्वच्छ एवं ठंडे जल की व्यवस्था जल्द से जल्द महाविद्यालय प्रांगण में कराई जाए, ताकि छात्र छात्राओं को पानी के लिए महाविद्यालय के बाहर ना भटकना पड़े। टीआरएस कॉलेज के एनएसयूआई अध्यक्ष पंकज उपाध्याय ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि टीआरएस महाविद्यालय में लगभग 15,000 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं, जिनके लिए इस भीषण गर्मी में कैंपस के अंदर शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं है, जिसको देखते हुए छात्र संगठनों के द्वारा महाविद्यालय प्रांगण में मटकी रखकर प्याऊ खोला गया है। उक्त प्याऊ से छात्र छात्राओं का कुछ हद तक प्यास तो बुझती है, परंतु 1500 छात्र छात्राओं के लिए शुद्ध पेयजल पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहा है। यही वजह है कि महाविद्यालय के छात्र छात्राएं स्वच्छ एवं ठंडे जल के लिए महाविद्यालय के बाहर भटकते रहते हैं, जिसको लेकर एनएसयूआई ने प्राचार कक्ष का घेराव करके मांग की है कि महाविद्यालय के अंदर स्वच्छ ठंडे जल की व्यवस्था जल्द से जल्द कराई जाए, अन्यथा भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन छात्र हित में उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी, जिसकी जिम्मेदारी कॉलेज प्रशासन की होगी। ज्ञापन में प्रमुख रूप से सत्यम मिश्रा, शिवम मिश्रा, शशिमोल तिवारी, प्रतीक द्विवेदी, विपिन आदिवासी, वैशाली मिश्रा, अंचल कुशवाहा, आस्था वाजपेयी, उमरा सिद्दीकी, शिखा तिवारी, अदिति खटीक, आस्था वाजपेयी, अनुराग सिंह, पवन दुबे, ज्ञानेन्द्र तिवारी, धीरेश शर्मा, गौरव सिंह, राजकमल, उज्ज्वल सिंह, अल्केश साकेत छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। आज आपने ज्ञापन सौंपा है, उसका क्या कारण? आज हम लोगों ने भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के सभी छात्र नेता के साथ जो टीआरएस कॉलेज, जिसमें लगभग यहाँ के 15,000 से 17,000 छात्र छात्राएं पढ़ते हैं, उनको यहाँ पानी पीने की व्यवस्था सही से नहीं है। ना फ्रीजर चलता है यहाँ का, और ऊपर से ना तो आरओ चलता है, पानी यहाँ का पीने योग्य नहीं है, जिससे छात्र छात्राएं इधर उधर भटकते हैं, बाहर जाते हैं पानी पीने के लिए। यहाँ तक कि छात्र संगठनों को मटका रखवाना पड़ रहा है, प्याऊ खोलना पड़ रहा है। आज हम लोगों ने प्रचार कक्ष का घेराव किया है और उनको अल्टीमेटम दिया है, एक हफ्ते के अंदर पानी की समस्या को दूर करें, अन्यथा भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई छात्र हित में बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी, जिसका पूरी जिम्मेदारी कॉलेज प्रशासन की होगी, प्रचार सर की होगी। हम लोगों ने शांतिपूर्ण मांग की है कि एक हफ्ते के अंदर पूर्ण हो जाए, सरकार आश्वासन है कि एक हफ्ते के अंदर पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से चालू हो जाएगी। बस हम लोगों की यही मांगे थी, इसी पर हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और अल्टीमेटम भी दिया है, और हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द हमारी मांगे पूरी होंगी। आप अपना नाम बताइए। पंकज उपाध्याय, अध्यक्ष टीआरएस कॉलेज, ने सुई दी।